हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एनटी क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने स्पेशल टाइप ऑफ डायोड कंप्लीट कर दिए थे, आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ओके ग्रेट, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को। ठीक है, ट्रांजिस्टर होता क्या है? हमने देख लिया, हमने पी टाइप एन टाइप मटेरियल देख लिया है। देखो ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर हम क्या लेते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं। ओके सब्सटेंस, एक टाइप का सब्सटेंस हमने लेट एन टाइप का सब्सटेंस ले लिया। ठीक है, एन टाइप का पूरा सब्सटेंस ले लिया, एन टाइप का मटेरियल पूरा ले लिया, एक ब्लॉक ले लिया एन टाइप का। अब उसके बीच में सैंडविचिंग कर लेते हैं। सैंडविचिंग का मतलब क्या होता है, किसी के बीच में क्या करना। सैंडविच कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, लाइक बीच में कोई फिलिंग मटेरियल होता है। ठीक है, इसमें भी हम सैंडविचिंग करेंगे। ठीक है, सैंडविच किसको सैंडविच डालेंगे, तो इसके बीच में हम डालेंगे पी टाइप को। ठीक है, अब देखो पी टाइप को डालेंगे हम इसके बीच में, तो कुछ ऐसे बनेंगे ना, यहां और यहां। ठीक है, अब ये बीच में क्या पड़ गया, पी टाइप, ये पड़ गया एन टाइप। एन टाइप, एन टाइप एक ही सब्सटेंस था। ओके, एन टाइप जो हमारे पास था वो एक ही सब्सटेंस था, बीच में हमने पी टाइप डाल दिया। अब देखो अगर हम बीच में पी टाइप डाल दिया तो हमने क्या देखा था डायोड्स में, हमने क्या देखा था कि अगर हम दो टाइप के मटेरियल को कनेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जंक्शन बन रहा है, ऑब्वियसली यहाँ भी जंक्शन बनेगा। तो कैसे बनेगा यह जंक्शन देख लेते हैं। देखो तो यहाँ जंक्शन, दो जंक्शन बनेंगे, यहाँ एक इस साइड जंक्शन बनेगा एंड अनदर इज दिस, इज दो जंक्शन बन गए यहाँ पे, है ना। ये बन गया एनपी, ये बन गया पीएन। ठीक है, एनपी पीएन और इनके बीच में दो जंक्शन बन गए। तो सिंपल हमारे पास यहां क्या आ गया, सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, इट इज अ टू जंक्शन। ठीक है, ये आ गया टू जंक्शन डिवाइस है ये। ठीक है, इसमें दो जंक्शन है। ग्रेट, देखो हमने ये देखा एनपीएन। इसी तरह हम क्या बना सकते हैं, एक हमने पी टाइप का सब्सटेंस लिया, पी टाइप का सब्सटेंस लिया, उसके बीच में क्या कर दिया एन टाइप डाल दिया। ये पी टाइप पूरा सब्सटेंस था, बीच में एन टाइप डाल दिया। अब एन टाइप डालेंगे तो इसमें भी जंक्शन बनेगा। ठीक है, ये दो बन गया हमारे पास एनपीएन पीएनपी। ठीक है, क्या बन गया ये एनपीएन ट्रांजिस्टर और ये बन गया पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, जैसे इनका यूज होगा हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टू पी एन जंक्शन डायोड है। ठीक है, पी एन जंक्शन डायोड है ये, पी एन जंक्शन डायोड है कि नहीं है, पी एन पी एन पी एन पी एन। तो दो पी एन जंक्शन डायोड होता है हमारे पास क्या, ट्रांजिस्टर। ग्रेट, हमने डायोड देख लिया था, पी एन जंक्शन डिवाइस बोलो या टू पी एन जंक्शन डायोड बोर्ड, डायोड बोर्ड या डिवाइस बोर्ड की बात है। ठीक है, क्योंकि डिवाइस ही है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, थ्री टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, थ्री टर्मिनल डिवाइस है ये। हाउ, देखो यहां यहां पे देखो हमने तीन टर्मिनल निकलेंगे, एक इसका यहां से टर्मिनल निकलेगा, एक इसका यहां से टर्मिनल निकलेगा एंड एक इसका यहां से टर्मिनल निकलेगा। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं एमिटर। ठीक है, एमिटर, इसको बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर का मतलब डीएम मत समझ लेना, दिस इज कलेक्टर, कलेक्ट करने वाला। ओके, और ये हो गया हमारे पास बेस। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, देखते हैं अभी हम, इनकी विड्थ होता है, इनका साइज होता है और इनमें जो डोपिंग लेवल होती है वो होता है और इनका जो करेक्टरिस्टिक होता है वो। तो सबसे पहले इनका साइज देख लेते हैं, सबसे बड़ा साइज किसका होगा यहाँ। देखो तो जो चीज कलेक्ट कर रही है ना, जो चीज कलेक्ट कर रही है, जो चीज कलेक्टर होगी, सिंपल समझ लो, डीएम बहुत बड़ा होता है ना जिले का, तो कलेक्टर, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, तो उसे समझ लो, जो हमारे पास कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है साइज में, साइज में कलेक्टर सबसे बड़ा होता है। कलेक्टर का मतलब होता है जो कलेक्ट करने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल यहां पे देख लो ना, कितना छोटा बेस, काफी छोटा लग रहा है, इसका मतलब एमिटर बड़ा होगा। इसके बाद एमिटर,
अगेन और बेस, बेस के पास सबसे छोटा साइज होता है, सबसे छोटा एरिया किसके पास होता है, बेस के पास होता है, तो साइज वहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज आती है डोपिंग लेवल की। अब डोपिंग लेवल किसमें ज्यादा होगा, डोपिंग लेवल तो एमिटर का मतलब क्या होता है, एमिट करने वाला है ना, एमिट करने वाला या देने वाला, तो एमिटर देता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स या हम क्या बात कर रहे हैं कैरियर, चार्ज कैरियर देता है, तो एमिटर सबसे ज्यादा डोप्ड होगा। उसके बाद हमारे पास कलेक्टर डोप्ड होगा और आफ्टर दैट बेस डोप्ड होगा, ठीक है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है टर्म्स, साइज हो गया हमारे पास, साइज इंपॉर्टेंट, डोपिंग लेवल इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्रेट। बेस, एमिटर, कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर से ये याद कर लो, डीएम सबसे बड़ा होता है डिस्ट्रिक्ट का, तो वो कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, तो साइज भी सबसे बड़ा किसका होगा, कलेक्टर का होगा, क्योंकि उसने कलेक्ट करना ना, जमा करना अपने पास, तो कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है। बाइसिंग होती है, वो कैसी होती है, ठीक है, तो बाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, सबसे मेन जो इसका फेनोमेना होता है बाइसिंग ही होती है, जो इसमें ऑपरेशन में काम होती है। तो एनपीएन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले ये हो गया एमिटर आपका, ये हो गया बेस आपका, ये हो गया कलेक्टर आपका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन होता है, ये ऑलवेज कनेक्ट होता है फॉरवर्ड बायस में। इसमें देखो फॉरवर्ड बायस में कैसे कनेक्ट होगा, देखो सिंपल, ये देख लो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस का, हम सिंपल अगर डायोड की बात करें तो एन साइड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट होगा, पी साइड पॉजिटिव से। देखो नेगेटिव एनपी कैसे लिखेंगे, एन का मतलब होता है नेगेटिव, पी का मतलब पॉजिटिव, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब सीधे कनेक्ट करना है ना, फॉरवर्ड में कनेक्ट करना, आगे ले जाना उसको, तो फॉरवर्ड बायस में कैसे होगा, एन अगर यहां एनपीएन की बात करें तो एन को हम नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और पी को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ग्रेट। तो हमारे पास ये आ गया एमिटर बेस जो जंक्शन है, एमिटर बेस जो जंक्शन है वो होगा फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, उसको फॉरवर्ड बायस बायसिंग में हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको फॉरवर्ड बायस ही करेंगे एक्चुअली में हम ऑलवेज। अब दी कलेक्टर बेस आ गया, कलेक्टर बेस जंक्शन, तो कलेक्टर बेस जंक्शन को कैसे कलेक्ट नहीं करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे उनको देखते हैं। कलेक्टर बेस हमेशा किसमें होता है ज्वाइन, कलेक्टर बेस हमेशा ज्वाइन होता है रिवर्स बायस में, ठीक है, कलेक्टर बेस हमेशा रिवर्स बायस में। अब यहां रिवर्स बायस कैसे होगा, रिवर्स बायस एन को पॉजिटिव से बैटरी के और पी साइड को नेगेटिव से बैटरी के, ग्रेट, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारे पास एन को पॉजिटिव से पी को नेगेटिव से रिवर्स बायस में, ठीक है, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, ग्रेट। तो हमारे पास हमने ये भी समझ लिया कि इनके जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे बनते हैं, मेन बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इनके बीच ये हम क्या बोलते हैं, वी ई बी, इसको हम बोलते हैं वी सी बी, ठीक है, इसके बीच भी होती है और इसके बीच भी होती है वोल्टेज, ग्रेट। एक्चुअली में इसको वी सी सी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वी ई, तभी तो इनके बीच कौन सी वोल्टेज होगी, वी ई बी होगी यहां और यहां होगी वी सी बी, ठीक है, ग्रेट। हमने कनेक्शन देख लिया, हमने साइज देख लिया, हमने डोपिंग लेवल देख लिया, ठीक है। इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा, सबसे मेन जो क्वेश्चन है इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा, तो देखिए हमारे पास अगर हम ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, ईबी जंक्शन का मतलब होता है एमिटर बेस जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया रिवर्स बायस में। देखो हमने डायोड में क्या देखा था कि रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस है बहुत ही हाई था, है ना, रिवर्स बायस में क्या होता है डिप्लीशन लेयर काफी विड्थ काफी चौड़ी हो जाती है, इसकी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं होता, जब करंट फ्लो नहीं होगी कहीं तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है, ठीक है। तो याद रखिए हमने रेजिस्टेंस बहुत हाई रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में वो 0.7 अगर सिलिकॉन की बात करें तो 0.7 पे ही कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। देखो तो यहां रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा एमिटर बेस पे, देखो एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस है, रेजिस्टेंस बहुत ही, यहां रेजिस्टेंस काफी कम देगा ये, ठीक है, एमिटर बेस पे रेजिस्टेंस बहुत कम देगा, जबकि हमारे पास जो कलेक्टर बेस पे है, कलेक्टर बेस पे हाई रेजिस्टेंस देगा। तो देखिए हम सिग्नल जो देते हैं, सिग्नल ये इनपुट होता है इसका, है ना, इनपुट कौन सा होता है, एमिटर बेस इनपुट होता है, हम कन्वेंशनल की बात करें, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, जो आउटपुट होता है हमारे पास, आउटपुट हमारे पास कहां से आता है, कलेक्टर बेस से, या कलेक्टर पे हम आउटपुट मानते हैं, इनपुट एमिटर पे मानते हैं,
एमीटर पे अगर हमारे पास फॉरवर्ड बायस है काफी कम रेजिस्टेंस है, रिवर्स बायस है काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम सिग्नल यहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, सिग्नल को एमीटर से ट्रांसफर कर रहे हैं कलेक्टर की तरफ, है ना, सिग्नल को एमीटर से ट्रांसफर कर रहे हैं कलेक्टर की तरफ, लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, सिग्नल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहां से, इनपुट से आउटपुट की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, याद रखना ट्रांसफर वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां ट्रांसफर ट्रांसफर प्लस, अब देखो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हम एक किसी भी डिवाइस को क्या लगाते हैं, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, है ना, तो ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर, रेजिस्टर क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एमिटर जो बायस एमिटर बेस है काफी लो रेजिस्टेंस है, कलेक्टर बेस बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है, यानी कि ये रेजिस्टर की तरह भी काम कर रहे हैं ना, लो रेजिस्टर हाई रेजिस्टर, तो यहां से देखो ट्रांसफर रेजिस्टर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर, तो यहां से आइए ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट, ठीक है, ट्रांसफर रेजिस्टर, ट्रांसफर किसको हो रहा है, सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है लोअर रेजिस्टेंस टू हायर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टर की तरह ये वर्क कर रहे हैं, तो इसको रेजिस्टर लगा दे, दोनों को मिला दे तो ट्रांजिस्टर बनता है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो है हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे हमारे, उसमें हम ट्रांजिस्टर का पूरा फेनोमेना देखेंगे, जो इसका वर्किंग होता है कैसे होता है कैसे काम करता है, आज की वीडियो में इतना ही काफी, थैंक यू।